प्रयागराज जनपद के सैदाबाद ब्लॉक के फतुहा गांव में वायरल फीवर का प्रकोप जारी है। भारी संख्या में लोग बीमार पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी की वजह से बीमारी फैली है, वही जिम्मेदार लोग उदासीन बने हुए हैं। विधानसभा प्रतापपुर क्षेत्र के फतुहा गांव की आबादी लगभग 15,000 बताई जा रही है, जिसमें मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस गांव में गंदगी की वजह से वायरल फीवर बीमारी फैली हुई है। हर घर से लगभग 1-2 लोग बीमार पड़े हैं। गांव का सफाई कर्मी कभी गांव में दिखाई नहीं देता। गांव में बना A&M सेंटर बदहाल पड़ा है, वह खुद बीमार है। गांव में जिम्मेदार लोग कभी दिखाई नहीं देते। गांव में न तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है और न तो साफ सफाई की व्यवस्था है, जिससे लोग गंदगी से तरह तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप भयंकर बना हुआ है। गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नई मंसारी, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पप्पू कालिया ने गांव में दवा छिड़काव और दवा वितरण किए जाने की मांग की है। प्रयागराज से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। कितने दिन से बीमार है? गांव में दवा का छिड़काव हुआ है कहीं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। डॉक्टर वगैरह आते हैं A&M सेंटर में? कोई नहीं। और कितने लोग बीमार हैं? अरे बहुत से लोग हैं, किसी का नाम बताइए। मोहल्ले में तुम्हारे कितने लोग बीमार हैं? अरे कम से कम 2500 लोग। सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं? सफाई नहीं भाई, देखिए सफाई कर्मी पता और ओकर हैया जन सफाई कर्मी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उद्दीन अंसारी और पप्पू कालिया, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, वार्ड नंबर 2, विकास खंड सैदाबाद। कौन सा गांव है ये? ग्राम सभा फतुहा है। हमारे ग्राम सभा में इतनी ज्यादा बीमारी फैली हुई है, लोग डर पीड़ित हैं बुखारों से, नाली की सफाई नहीं हो रही है, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ की A&M की हालात ये है, आशा कार्यकर्ताओं की हालात ये है कि कोई ध्यान नहीं देते, ना किसी के दरवाजे जाते। A&M कभी आई कभी ना आई, स्वास्थ्य उप केंद्र पे कभी A&M दिखाई नहीं पड़ती, न कभी चेहरा दिखाई। आई 10 मिनट टीके के कारण समय आती है, गांव मोहल्ले बैठ करके गांव में बुलवाती आशाओं से कि जाओ टीका लगवाना, बस 2-4 घर बुलवा के टीका लगा के चली जाती है। कितने लोग बीमार है बुखार? यहाँ काफी लोग, कम कम 100-200 लोग की संख्या में लोग बीमार यहाँ है। 1-2 लोग नहीं, 100-200 लोग सब पीड़ित है। कोई वो डॉक्टर शक्ति सिंह क्या भाग रहा, कोई मौर्या क्या भाग रहा, कोई इलाहाबाद भाग रहा है। दवा का छिड़काव हुआ ही नहीं है।